अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर आप लोगों को अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। जब मेरे होने वाले बच्चे का पिता ही उसे अपनाने को तैयार नहीं, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं और मेरा बच्चा किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। मुझे रानी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं। राधिका, ये क्या गुंडागर्दी है? कैसे घुस सकते हैं हमारे घर में? किसी को गोली लग जाती तो वो मर जाता। बोलो भैया, पुलिस को फोन लगाइए। मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो, मत मारो। अरे पर गोलू भैया, डरिए मत, फोन लगाइए। दिव्यम, गोलू क्यों फोन करेगा पुलिस को? हाँ, तुम हमेशा हर खतरनाक काम में मेरे बेटे को क्यों फंसाते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कॉल करो। ये लो फोन। आप लोग भी ना, राधिका, बंदूक नीचे कर वरना क्या करेगा बे? ऐसी गोली चालू होकर दिमाग के चार टुकड़े हो जाएंगे, दिखाएंगे। भैया प्रणाम करो। सुभैया, भैया प्लीज रुक जाइए, प्लीज। शिवराज का गुंडों से तो बच गए, पता नहीं क्या नया सबूत लेकर आ जाएगी। मुझे अपने भाइयों को फोन करना ही होगा। हेलो। हेलो भैया, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए।
एक लड़का जो मुझसे समाज के सामने शादी नहीं करना चाहता, उस कॉन्ट्रैक्ट बीवी बनाकर रखना चाहता है, और मेरे पेट में उसका बच्चा है भैया। हाँ प्लीज मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हम आ रहे हैं। अब थारे रोने के दिन के बहना, थारे भाई पतार गए से। मारे बहन के आंख में आंसू देने वाला फूल के आंसू रोएगा, वादा है मारा। रानी कौन है ये दोनों? दिव्यम जी ये मेरे भाई हैं। भाई? हमें मामा बनने की खबर मिली तो हम दौड़े चले आए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। भैया आप दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं तो खुद ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा उनका नहीं है। लगता नहीं है, जानता हूँ मैं, ये बच्चा मेरा नहीं है। बहन की गोद भरते वक्त तुम्हें दिक्कत ना आई, अब उसे अपनाने में दिक्कत आ रही है। अब तो मैं अपनी बहन की शादी थारे से करवा के ही जाऊंगा, और अपने भांजे भांजी को थारे गोद में थमा के ही जाएंगे। तुम जैसे गुंडों से डरता नहीं मैं, ना मैं ये शादी करूंगा और ना ही मैं बच्चा रखूंगा। तो ठीक है फिर, जब तक थारी ना हाँ में ना बदलने वाली, हम इससे ना हिलने वाले। जब तक थारा छोरा हमारी बहन को अपनी मुगाई ना बनाता, हम इसे ही अपना डेरा डालेंगे। और अगर मैं नहीं माना तो? तुमने यही बंसल निवास से गाड़ के जाऊंगा। तुम जैसे गुंडों की धमकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे? वरना क्या? चुपचाप अपना सामान पकड़ो, निकलो यहाँ से। देखिए आप लोग प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, मारपीट से कुछ नहीं होने वाला है, शांत हो जाइए। हम समझदार लोग हैं तो समझदार लोगों की तरीके मुसीबत का हल निकालते हैं। प्लीज जाने दीजिए इनको। हाँ राधिका बेटा बिल्कुल सही कह रही है, अब भाई साहब दो मिनट तसल्ली से बात सुनिए ना। हाँ। रानी तुम अपने भाइयों को समझाओ ना, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसका पछतावा हम सबको करना पड़े। तुम भी तो ऐसा नहीं चाहोगी ना कि धर्म जी को नुकसान पहुंचे, प्लीज समझाओ इन लोगों को। भैया प्लीज प्लीज इन्हें कुछ मत करिए, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा। अब आप लोग प्लीज अभी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, पापा जी के ना आराम करने का वक्त हो गया, उनको आराम करने दीजिए वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर इतनी रात में हंगामा किया तो मोहल्ले वाले जग जाएंगे। आप लोग अभी प्लीज जाइए, हम लोग कल आराम से इस मामले को सुलझा लेंगे। प्लीज अब सुलझाने जैसा बचा ही क्या है, तू ही मारी बहन की जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है, तुझे इस घर से बाहर निकाल देते हैं, सब अपने आप सही हो जाएगा। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो है तुम और तुम्हारी बहन, और कोई कहीं नहीं जाएगा। प्लीज राधिका दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी रहने देते हैं, सब शांत होके सुबह बात करते हैं। प्लीज प्लीज अभी अभी आप लोग जाइए। तुम सबके कानपुर में हड़ताल है क्या? एक बार कह दिया ना,
कि जब तक हमारी बहन का घर नहीं बसता हम ऐसे ही डेरा डाल कराएंगे। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।